हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उनको एक पहले से लड़की होती है तो भगवान से वो एक ही दुआ करती है महिला की, भगवान मुझे प्लीज़ एक बेटा दे दो। एक बेटी को तो खुशी मिल गई, प्लीज़ एक बेटी की भी खुशियाँ दे दो। तो ये दुआ भगवान आपका कब सुनेंगे, जब आप गर्भधारण सही समय पर यानी कि सही टाइम पर आप गर्भ कंसीव करेंगे तभी भगवान सुनेंगे। तो आइए इसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल सच होती हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या एक महीने में दो पक्ष होते हैं जो 15 दिन पे आते हैं। एक पक्ष में होता है पूर्णिमा और दूसरे पक्ष में अमावस्या होती है। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, मैं अपने से कोई बना के नहीं बता रही हूँ, ये बातें जो है वेद पुराणों से दर्शाई गई है। बड़े बुजुर्गों तो कहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो वेद पुराणों में कही गई बातें हैं वो तो उसमें बड़े बुजुर्ग ने नहीं लिखा। पहले के ज़माने में जो साधु संत होते हैं वेद पुराणों में जिनकी व्याख्या होती है वो बिल्कुल गलत नहीं होती है। वही वेद पुराण के आधार पर ये अमावस्या पूर्णिमा की जो बातें हैं, अमावस्या और पूर्णिमा पर गर्भधारण की जो बातें हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बातें जो हैं बिल्कुल सच होती हैं। हालांकि बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके मन में ये गलत फहमी रहती है कि उन्होंने तो गर्भधारण जो पूर्णिमा पे किया था उन्हें लड़की क्यों हो गई। तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। हो सकता है पूर्णिमा के एक दिन पहले आपकी गर्भधारण कम्प्लीट हो गई होगी, या हो सकता है पूर्णिमा के एक दिन बाद आपकी गर्भधारण हुई होगी, इसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप पहले कंफर्म होइए, अपने आप में श्योर होइए कि आपके गर्भधारण जो कंप्लीट पूर्णिमा पे होती है तो आपको लड़का ही होगा, ये 100% श्योर है। इस वीडियो में मैं कोई सिम्टम नहीं बता रही हूँ, सिम्टम तो अनेक महिला में अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है, नहीं इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, ये वेद पुराणों में दर्शाई हुई बातें हैं जो कि ऋषि महर्षि द्वारा लिखी गई है। ऋषि महर्षि पहले ज़माने के जो हैं कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, बोलने की तो अलग बात, अगर उन्होंने लिखी हुई है तो उन्होंने झूठ तो कहीं भी नहीं लिखी होगी। इसलिए मैं इस बात पे रिसर्च की, मुझे पता लगा तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मैं आप लोगों पर वीडियो बना दी। आप भी हो सके तो रिसर्च करके कन्फर्म कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 100% भरोसे कर ली है। ऐसी महिला जिनको लड़का हुआ है उनकी गर्भधारण जो है पूर्णिमा पे हुई है, ऐसे भी मैंने अभी जानी है। ये जो पूर्णिमा तिथि है अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली तिथि है। जो भी आप अच्छे काम होंगे यदि आप पूर्णिमा तिथि पे करेंगे तो वो शुभ माना जाता है। इसलिए वेद पुराणों में शायद इसी वजह से ही लिखा गया होगा कि यदि आपकी गर्भधारण जो है पूर्णिमा पे होती है और आपके मन की इच्छा भी है कि आपको लड़का ही हो तो आपकी गर्भधारण पूर्णिमा पे हो, आप ये ज़रूर ट्राई करें तो आपको लड़का ज़रूर होगा। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। और इस वीडियो से जुड़ी कन्फ्यूज़न आपके मन में हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और सही बातें जानने के लिए, प्रेगनेंसी केयर से जुड़ी बातें जो होती हैं बिल्कुल सच्ची बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए फिर से मैं मिलती हूँ एक अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।